ब्रेक के बाद स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनावों में हर पार्टी प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से लगी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सोनभद्र पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो प्रदेश सरकार में चल रही समाजवादी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में लूट हत्या बलात्कार उनके काम नहीं कारनामे हैं। और अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, कुछ हुआ है? हुआ है भाई। अरे रॉबर्ट जन वालों बिचारे के साथ अन्याय मत करो, कुछ तो हुआ है। अरे हुआ है मैं बताओ? अरे सुनो मुझे बताने दो, बिचारे के साथ अन्याय मत करो, कुछ किया है उसने। मैं बताता हूँ सुनो, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश खून करने के मामले में, हत्या करने के मामले में नंबर वन बन गया है। हर रोज 23 हत्याएं होती है, हर रोज 26 बहनों पर अत्याचार होता है, माताओं बहनों पर बलात्कार होता है। बलात्कार करने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन बन गया है। चोरी लूट डकैती अपहरण फिरौती ये सारे मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर वन बन गया है। मुझे लगता है अखिलेश बाबू को लगता है कि चोरी लूट डकैती फिरौती अपहरण हत्या बलात्कार यही करने जैसा काम है, इसलिए कहते हैं काम बोलता है। भी तो इसको काम कहते हैं क्या? काम कहते हैं? अरे अखिलेश बाबू आपको मालूम ना हो तो बता दो, इसको काम नहीं कारनामा बोलते हैं, कारनामा।